दोस्तों Realme 6i को इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है। ये Realme 6 का एक वर्जन है। हालांकि फोन की स्पेसिफिकेशन और डिजाइन में कुछ खास फर्क नहीं दिखाई देगा आपको। फोन में आपको वही 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, चिपसेट और बैटरी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि Realme के ऑलरेडी कई सारे फोन्स में पहले ही आ चुकी है। इसके अलावा फोन में आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड कैमरा भी है, जिसके हिसाब से इसकी कीमत लगभग 12,000 या 13,000 के अप्रोक्स होना चाहिए थी, लेकिन कीमत जो है वो 14,999 रुपये, मतलब कि 15,000। तो Realme का जो सीधा सामना होने वाला है Realme 6i का, वो होने वाला है Redmi Note 9 से, जो कि रिसेंटली में Redmi ने Note 9 इंडिया में लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme 6i और Redmi Note 9 का कंपैरिजन, जिससे आपको कंफर्म होगा कि Redmi Note 9 या फिर Realme 6i में कौन सा ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन को लेकर। तो Realme 6i और Redmi Note 9 दोनों ही पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं। फोन्स के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको कटआउट दिया गया है, जिसमें सेल्फी कैमरा प्लेस है। आप बमुश्किल से दोनों को सामने देखकर बता पाएंगे कौन सा फोन Realme 6i और कौन सा Redmi Note 9। बिल्कुल फ्रंट से सेम टू सेम एक जैसे नजर आते हैं। इसके अलावा बैक में भी आपको दोनों फोन क्वाड कैमरा सेटअप से लेस हैं। जहां Realme 6i वर्टिकल एलाइड कैमरे के साथ आता है, वहीं Redmi Note 9 जो वो स्क्वायर मॉड्यूल में कैमरा सेटअप मौजूद दिया गया है, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नीचे दिया गया है, जबकि Realme 6i में साइड माउंटेड पावर बटन फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करता है। इसके अलावा दोनों फोन में आपको हेडसेट के नीचे स्पीकर ग्रिल और 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाएगा। अगर हम बात करें डिस्प्ले को लेकर, तो Realme 6i के अंदर जहां आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD स्क्रीन दिया गया है, ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से आता है, जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की तुलना में 50% ज़्यादा रिफ्रेश रेट देता है। इसका फ़ायदा तब होता है जब आप स्क्रीन को स्वाइप करते हैं। ये स्मूथ और सीमलेस विजुअल एक्सपीरियंस हमको देता है। इसके अलावा स्क्रीन की सुरक्षा के लिए फ़ोन के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। हम बात करें अगर Redmi Note 9 को लेकर, तो Redmi Note 9 में आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड किया गया है। यूजर्स को और बेहतर बनाने के लिए Xiaomi ने फोन के डिस्प्ले रीडिंग को मोड 2.0 एंड सनलाइट मोड से भी लैस किया है। बात करें फोटोग्राफी को लेकर, तो जहां फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो Realme 6i में फोन में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप सपोर्ट मिल जाता है। फोन के बैक में आपको फ्लैशलाइट के साथ 1.8 अपर्चर वाला 48MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके साथ ही ये फोन 2.3 अपर्चर वाले 8MP के वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। साथ ही 2.4 अपर्चर वाले 2MP का मोनो सेंसर और 2.4 अपर्चर वाला 2MP का मैक्रो लेंस सपोर्ट करता है। इसके साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Realme 6i के अंदर आपको 2.0 अपर्चर के साथ 16MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बात करते हैं Redmi Note 9 के ऊपर लेकर, तो जहां पे बैक पैनल पे Redmi Note 9 में आपको 48MP का 1.79 अपर्चर वाला प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। इसके साथ ही ये फोन 2.2 अपर्चर वाला 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सपोर्ट करता है। साथ ही 2.4 अपर्चर वाला 2MP का डेप्थ सेंसर सपोर्ट करता है। साथ ही चौथा जो सेंसर है वो 2MP का मैक्रो लेंस है। इस तरीके से ये फोन सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर को लेकर, तो Realme 6i में प्रोसेसिंग के लिए ऑक्टोकोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक का हेलियो G90T चिपसेट दिया गया है। ये फोन हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि फोन में गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही खास बना देता है। वहीं Redmi Note 9 में आपको ऑक्टाकोर मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अलावा इस स्मार्ट डिवाइस में आपको माली G52 GPU भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बैटरी की बात कर लें, पावर बैकअप के लिए जहां Realme 6i में आपको 30 वाट फास्ट चार्जिंग वाली 4300mAh की बैटरी दी गई है, वहीं Redmi Note 9 में आपको 18 वाट फास्ट चार्जिंग वाली 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। दोनों फोन जहां डुअल सिम फोन है, जो 4G वोल्टेज के सपोर्ट के साथ आते हैं। साथ ही फोन्स के अंदर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस के लिए GPS, AGPS, ग्लूनोस और अन बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ। इसके अलावा इन फोन्स में आपको 3.5mm का जैक सपोर्ट भी दिया गया है। अगर हम दोनों के कंपैरिजन बात करते हैं प्राइसिंग को लेकर, तो जहां Realme 6i 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी की कीमत है वो 12,999 रुपये, 6GB रैम और 64GB वाले की वेरिएंट 14,999 रुपये को आप फ्लिपकार्ट से 31 जुलाई के दोपहर 12 बजे सेल से खरीद सकते हैं। वहीं Redmi Note 9 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट जो है 11,999 रुपये, वहीं 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज 13,499 रुपये, वहीं 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज
14,999 रुपए में मार्केट में उतारा गया है। तो Xiaomi Redmi Note 9 और Realme 6i दोनों को अगर फुल कंपेरिजन करते हैं तो जहाँ पे हमको 14,999 रुपए में Redmi Note 9 6GB रैम 128GB स्टोरेज मिल जाता है, वही Realme 6i हमको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों के कंपेरिजन की बात करता हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ तो मुझे Redmi Note 9 थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है Realme 6i से।